ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रयणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै सम्माननीय इस संस्था के परम अध्यक्ष श्री स्वामी जी महाराज, परम प्रेमास्पद साधना सदन आश्रम के व्यवस्थापक ब्रह्म चैतन्य जी महाराज, प्रेमास्पद श्रवण चैतन्य जी महाराज एवं धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी माताओं तथा भाइयों, आप हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने ऐसी संस्कृति में हमें जन्म दिया जो केवल भोग के लिए नहीं अपितु धर्म की रक्षा करने के लिए जीने के बचपन से ही संस्कार प्रदान करती है। अर्थात वो संस्कृति है वैदिक सनातन संस्कृति। आप देखेंगे तो वैदिक सनातन धर्म को छोड़ करके बाकी सब धर्मों का एक निश्चित समय विशेष में प्राकट्य हुआ है, उदय हुआ है, इस समय से चले हैं। ईसाई 2021 से पहले ईसाई नाम का इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं था। 1400 कुछ वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि वैदिक धर्म के बिना भी संसार था, ऐसा है क्या? धर्म संसार का मूल है, धर्म से ही संसार बनता है और धर्म का केवल ज्ञान होने मात्र से धर्म आपको हमको और अन्य किसी को भी सुरक्षित नहीं रखता। ये कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः।
तो रक्षितः धर्मो रक्षति। रक्षित का अर्थ होता है सुरक्षित धर्म, धर्म की जो सुरक्षा करता है वह, जिसके द्वारा सुरक्षित किया गया धर्म है, समय आने पर अपनी सुरक्षा करने वाले की सुरक्षा करता है। पुत्र की बचपन में अच्छी तरह से सुरक्षा करते हैं, लालन पालन करते हैं माता पिता। वृद्धावस्था में जो सुपुत्र होते हैं वे, जिससे माता पिता को सुख पहुंचे, ऐसा ही आचरण करते हैं। वृद्धाश्रम में नहीं भेजते, संस्कारी होते हैं। ऐसे धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म भी समय आने पर रक्षा करता है। रक्षा का अर्थ है आप वर्तमान में जहां हैं उस स्थिति में तो रहे ही रहे, उससे अलग अदर आपका नहीं। या और भी यदि कोई सक्षम है आपके पुत्र, तो अपने माता पिता को ये चाहते हैं कि जिस स्थिति में है उससे और भी ज़्यादा सुख हुई। ऐसे धर्म भी, धर्म का लक्षण ही है यह, तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, जिससे अभ्युदय आपको प्राप्त हो और निःश्रेयस यानी मोक्ष प्राप्त हो, उसका नाम है धर्म। अर्थात धर्म आपके अभ्युदय का, और अभ्युदय शब्द का अर्थ होता है उत्कर्ष। प्राणी मात्र की इच्छा ये होती है कि वह जिस स्थिति में है उससे नीचे को गिरे ही ना, लेकिन उससे ऊपर हो। आज मनुष्य हैं तो हम देवता बने, देवता हैं तो देवता में भी श्रेष्ठ देवता देवराज इंद्र बने, इंद्र की भी इच्छा होती है हम ब्रह्मा बने, इसका मतलब ऊपर ऊपर उठने की इच्छा, उत्कर्ष की इच्छा होती है। तो उत्कृष्ट अवस्था का नाम है अभ्युदय। आप जहाँ हैं वहाँ से आपको उत्कृष्ट स्थिति में पहुँचाने वाला यदि कोई है तो धर्म। और मान लो संसार में वो ऊपर चढ़ गया है कभी न कभी, फिर नीचे आ ही जाता है, नहीं चाहते हैं आवागमन, चाहते हैं कि इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो। तो मुक्ति भी पानी है तो धर्म से, तो निःश्रेयस शब्द का अर्थ होता है मुक्ति, मोक्ष। यही दो फल होते हैं, या तो हम संसार में रहना चाहते हैं उत्कृष्ट स्थिति में, तो अभी रह जाते हैं, और संसार से मुक्त होना चाहते हैं चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं मोक्ष चाहते हैं। तो दोनों भी फल, दोनों में से जो भी चाहो, टू इन वन यदि कोई साधन है, दोनों में से कोई भी फल आपको देने वाला, वो है धर्म। इसीलिए धर्म की सुरक्षा करना आवश्यक है, और धर्म की सुरक्षा का अर्थ है जिस धर्म के आचरण करने वाले जिस समय अधिक से अधिक लोग हैं, माना जाता है धर्म का आचरण करने वाला धर्म की सुरक्षा का, और धर्म उस समय खूब फला फुला है, हरा भरा है। सनातन शब्द का अर्थ ही होता है जो हमेशा रहता है, उसे कहते हैं सनातन। हमारे धर्म का आचरण न करने से
सनातन धर्म बिल्कुल नष्ट होगा ऐसा तो नहीं, वो हमेशा रहने वाला होने से रहे, लेकिन उसकी दो स्थिति होती है। एक तो है व्यक्ति इतना कमजोर हुआ कि हुआ कि श्वासोश्वास मात्र ले सकता है, मुश्किल से अपने बेड से उठकर के बाथरूम जाने के लिए भी डंडे का सहारा लेना पड़े, वो भी जी रहा। और एक व्यक्ति है अखाड़े में 10 पहलवानों को पराजित करता है, वो भी जी रहा। तो दोनों के दिनों जीने में अंतर है कि तो एक होता है सनातन धर्म की ऐसी अवस्था आती है कि धर्माचरण करने वाले कम हैं, वो उस कमजोर व्यक्ति के तरह जी रहा है, समाप्त नहीं। और एक धर्म होता है जिसके अधिक से अधिक आचरण करने वाले मिलते हैं, उस पहलवान के तरह अखाड़े में सब पहलवानों को परास्त करके विजयी बने। हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि प्रत्येक जन चाहता है, कोई भी नहीं चाहता नीचे जाना या बंधन में फंस रहे, उसके लिए जरूरी है धर्म का। और धर्म है क्या, धर्म की व्याख्या तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने की है, इतना सब पढ़ना और समझना हमारे लिए कठिन है। लेकिन भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जो अनेकों ग्रंथों में धर्म का स्वरूप बताया है उसका सार मैं आपको सूयताम धर्म सर्वस्वम सुच अवधार्यता, तो मैं धर्म का आपको सर्वस्व सार बता रहा हूँ, जिसके आचरण से आपको निश्चित ही आपके अपेक्षित अभ्युदय या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो क्या है, पहले धर्म का स्वरूप समझो और उसका वैसा ही अपना जीवन बना। तो वे कहते हैं आत्मन प्रतिकूलानी परेशान में समाज के धर्म, आपको दूसरों का जो व्यवहार आपके प्रतिकूल लगता है, आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त आपसे झूठ बोले, आप नहीं चाहते कोई आपको धोखा दे, आप नहीं चाहते कि कोई हमें किसी प्रकार की हानि पहुंचा दे ज्ञात में या अज्ञात में। व्यास जी कहते हैं दूसरा उसके संस्कार संस्कार के अनुसार आपको धोखा दे या न दे इसको गारंटी नहीं, वो आपसे झूठ बोले या न बोले इसकी गारंटी नहीं। आपको ये जो प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के दिख रहे हैं वो व्यवहार आप दूसरों के साथ करो, आप चाहते हैं दूसरा सच्ची बोले हमसे, आप दूसरे से सच्ची बोले, आपको जो अनुकूल दिख रहा है व्यवहार दूसरे का आपके प्रति होना चाहिए, वैसा दूसरे के प्रति करो तो आप धर्म के रक्षक हैं। और वो जो धर्म है आग भले ही धर्म का आचरण करते समय को सोना निखरता है, लेकिन निखरने के पहले उसे तपाया जाता है। तो धर्म का आचरण करते समय तपना जैसा है, और जब हमारी निष्ठा धर्म में अच्छी तरह से बन जाती है तो सोने के तरह हमारे जीवन में निखार आती है और संसार अपना बन जाता है। और आपको अपेक्षित जो अभ्युदय निर्देश है वो धर्म आपका समय पर प्रदान करता है। ये रक्षा है, भगवान आपको धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें, सत्संग आदि में रुचि रखें, इसी शुभकामना के साथ ओम तत्सत।